नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा में होने वाली जन आशीर्वाद और रैली की, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं ने स्थल निरीक्षण किया। तो हरियाणा के समालखा में 26 नवंबर को जन आशीर्वाद रैली का आयोजन होने जा रहा है। इस कड़ी में सांसद संजय भाटिया, जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, बीजेपी नेता संदय छोकर और उपमंडल अधिकारी अमित कुमार ने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया, जिसके बाद सांसद संजय भाटिया ने अनाज मंडी रैली स्थल में ही प्रशासनिक अधिकारी और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जनसभा को लेकर अब की गई तैयारियों को क्षेत्रवार की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने समालखा अनाज मंडी में संजय छोकर ने व्यवस्थाओं को लेकर तत्काल ही दुरुस्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान संजय ने बताया कि समालखा अनाज मंडी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ऐतिहासिक रैली आने वाली 26 नवंबर को होने जा रही है। उन्होंने बताया कि एक लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल समालखा की पावन धरती पर पहुंचेंगे, जहां पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की तरफ से मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। आज मैं खड़े हो गए थे, आज हमारे 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी समालखा विधानसभा में एक लोगों को संबोधित करने के लिए यहां पर आ रहे हैं। यहां पर सभी कार्यकर्ताओं की बैठक थी, यहाँ पर सारा समाज सब लोग यहाँ पर आए उनका निमंत्रण देने के लिए। आपके माध्यम से भी मैं निमंत्रण देता हूँ, तो सब लोग यहाँ पर आएंगे, उनके विचार भी सुनेंगे और जो अपने साथी कार्यकर्ता यहाँ आए हुए थे उनसे भी कहा कि किसी तरह का विकास से संबंधित कोई भी काम हो वो रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री सर रैली के जो संयोजक हैं वो संगठन से बात नहीं कर रहे, उन लोगों से बात नहीं कर रहे, तो इसलिए तो नाराज चल रहे हैं। नहीं, मेरे को लगता है कि आज सारा जो रैली के संयोजक हैं संजय जी, आज सारा संगठन यहाँ पर इकट्ठा था, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ, कोई है तो आपस में कोई कम्युनिकेशन गैप है तो ठीक करा। सर जा रहे लिस्ट पर खड़े हैं, यहाँ अभी तक उठान नहीं हुआ, उठान भी नहीं ये हो 26 तक हो जाएगा। मैंने आए हुए थे अधिकारी भी आए हुए थे, मैंने उनसे पूछा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा में ही होने वाली जन आक्रोश रैली की। बता दें कि हरियाणा में किसान बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, जहां 23 नवंबर को किसानों की तरफ से जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर गुरनाम सिंह चरूनी किसानों को न्योता देते भी नजर आ रहे हैं। तो भारतीय किसान यूनियन चरूनी ग्रुप की तरफ से 23 नवंबर को पीपली अनाज मंडी में जन आक्रोश रैली रखी गई है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन चरूनी ग्रुप के कार्यकर्ता खुद यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चरूनी देश के कई हिस्सों में जाकर किसानों को न्योता देते दिखाई दे रहे हैं। इस कड़ी में भारतीय किसान यूनियन चरूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन का एक साल बर्बाद कर दिया है, क्योंकि जिन मुद्दों पर किसान आंदोलन शुरू हुआ था उन मुद्दों पर अब तक कोई भी बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वो एक साल किसानों का अब बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। गुरनाम सिंह चरूनी ने आगे कहा कि इस रैली में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को न्योता नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस जन आक्रोश रैली में किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दे रखे जाएंगे और उन पर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, रैली की बहुत अच्छी तैयारी है और रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। इसमें सभी किसान, मजदूर, बेरोजगार, रेड़ी फड़ी वाले वो भी यहाँ पे सब जो है इस रैली में शामिल होंगे। और हमारा जो मुद्दा है वो सारी पब्लिक का मुद्दा है, कमेरा वर्सेस लुटेरा। जो कंपनियां हैं वो आज पूरे देश की संपत्ति पे, पूरे देश के कारोबार पे कब्जा कर रही हैं। आज गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। और उसका रिकॉर्ड ये है कि आज 9 लोग इतने अमीर हो गए हैं कि उनके पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है। आज बेरोजगारी इस कदर है कि हरियाणा तो सबसे टॉपर ही है बेरोजगारी में, कि 38 बेरोजगारों को रोजाना अपनी जान गंवानी पड़ती है, सुसाइड करना पड़ता है, खर्चा नहीं चल पाता, गुजारा नहीं चल पाता और अपना देश छोड़ के जिसको हमारे शहीद। तो हरियाणा में मिशन कर्मयोगी हरियाणा का आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अहम जानकारियां दी हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम से प्रेरित होकर मिशन कर्मयोगी हरियाणा की शुरुआत हो गई है। इस कार्यक्रम को लेकर सीएम मनोहर लाल ने अहम जानकारियां दी। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के माध्यम से कर्मचारियों के नैतिक प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। सेवा की भावना में सामूहिक हित के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य है। जहाँ समय की मांग है कि हम अपने नैतिक व्यवहार, मूल्यों और सिद्धांतों को और भी मजबूती से सामने पेश करें। अधिकारी और कर्मचारियों को कर्तव्य पालन और सेवा भाव पर जोर देने के लिए भी सीएम ने कहा है। सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि इस प्रशिक्षण में कर्मचारियों को नागरिकों के साथ जुड़ाव होगा। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने मिशन कर्मयोगी हरियाणा का हिस्सा बनने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई भी दी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं इंदौर की। बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में नाबालिग दिव्यांग से रेप करने के मामले में दोषी को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। तो इंदौर में एक दिव्यांग रेप पीड़िता को लगभग 2 साल बाद आखिरकार अब इंसाफ मिल ही गया। जिला कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को विभिन्न धाराओं में उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपी घुमाने के बहाने दिव्यांग नाबालिग को अपने साथ ले गया था, जहां उसने नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर की जिला कोर्ट ने दिव्यांग नाबालिग युवती के साथ रेप के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने रेप की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को 43 साल की सख्त सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदंड के दंडित किया है। दरअसल फरियादी पक्ष के वकील ने कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के तर्क रखे थे और उन्हीं तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने आरोपी को सख्त सजा से दंडित किया है। बता दें कि इंदौर शहर में 17 साल की दिव्यांग नाबालिग बच्ची को एक युवक रोज वीडियो कॉल करता था। दोनों के बीच किसी माध्यम से परिचय हुआ, जहां आरोपी साइन लैंग्वेज जानता था। इस कारण दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी ने नाबालिग लड़की को घर पर बुलाया और उज्जैन इंदौर रोड पर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। युवती के बताए अनुसार परिजनों ने इस मामले की शिकायत सूडिया थाने में की और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अब कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा सुना दी है। सर, एक लसूडिया थाने में घटना हुई थी, जहां पर आरोपी को 43 वर्ष की कारावास मिली, उसमें क्या था पूरा होगा? एक्चुअली एक लसूडिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मूक बधिर माइनर बालिका थी, जो अपने माँ के साथ एक छोटे भाई के साथ रहती थी। तो उसने एक दिन, उसकी माँ जैसा उसने बताया कि हम काम पे जाते हैं, काम करने गई, शाम को लौटी तो पता चला कि उसकी बच्ची नहीं है। तो फिर पूछताछ की, इधर से उधर ढूंढी, नहीं अगर बच्ची मिली, फिर ले जा कर के रसोईया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बच्ची को कोई लेके चला गया है। फिर उसने रिपोर्ट धारा 300। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज की, जहाँ से संदिग्ध परिस्थितियों में 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया। तो बिहार के गोपालगंज में संदिग्ध हालत में 5 लोगों की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों की उम्र 25 से लेकर 65 साल के बीच की बताई जा रही है। इस घटना के बाद से मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने 5 लोगों की मौत की वजह बीमारी, फूड पॉइजनिंग और हार्ट अटैक बताया है। एक शव को पोस्टमार्टम गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रखवाया गया, बाकी शवों का दाह संस्कार कर दिया गया है। तो वहीं इस मामले में मृतकों के परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत होने की बात कही है। मृतक टिंकू राम की पत्नी कविता देवी ने बहरामपुर गांव के कृष्ण राय पर शराब बेचने का आरोप भी लगाया और प्रशासन पर डराने धमकाने का आरोप भी लगाया है। इन लोगों ने बताया कि बरसों से यहां जहरीली शराब का कारोबार चलता था, कोई पूछने वाला नहीं है। इनके पति अचानक बीते दिन जाकर के उनके यहाँ दारू पिया, दारू पीने के बाद से हालत ख़राब हुई। एक तो इनके चचा कल बीते दिन एक्सपायर कर गए, टिंकू राम के रात में देहांत हुआ है। लेकिन यहाँ के स्थानीय पुलिस को 11-12 साल का लड़का है, उसके चौकीदार ट्यूशन पर आया है दिगौली से, कृष्ण राय बुला के लिया है चौकीदार के। अब हमारे बच्चा से कहें, बच्चा पर साइन कर दे जे तोर भैया बाहर से मियाज खराब भैले, किरनी पथरी सरले, आयल बाबू जैसे जल्दी साइन कर, मोबाइल में डिस्काउंट पड़त रह। पति हम रहनी 11 तारीख के बाहर से, 12 तारीख दीपावली रहे, आज
पाँच छः दिन ठीक रहनी और सत्रह तारीख के ने गानी तो सुख के दिन दुकान पर रहते रहनी है तो वजह से लोग बुला के लेकर जी बेचता और मैं शराब वजह से आनी दिन भर नहीं सुत रहनी घर में बोल बनी कहनी जो बुला लिया खाना खा जाती तो खाना खाई तो बुला लिया नहीं लोता अंगना में आकर बैठनी तो कहीं खाना खा ली तो कहते नहीं मन नहीं करते खाना खा के तो फिर जाकर सुत गनी शाम के 7 बजे सुत ले रहनी। इन लोगों ने बताया कि बरसों बरसों से यहाँ जहरीली शराब का कारोबार चलता था, कोई पूछने वाला नहीं है। इनके पति अचानक बीते दिन जाकर के तो गोपालगंज में हुई 5 लोगों की मौत के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस कड़ी में बीजेपी के महामंत्री मिथिलेश तिवारी मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने मौके पर पहुंचे। तो गोपालगंज में 5 लोगों की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत के बाद खूब राजनीति देखने को मिल रही है। बता दें कि मौत के बाद बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी बहरामपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इस मौके पर मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सभी लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। बिहार सरकार और प्रशासन शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचाने में लगा हुआ। गोपालगंज में 5 लोगों की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत के बाद बहरामपुर गांव पहुंचे बिहार बीजेपी के प्रदेश मंत्री महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सभी लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। जहां मिथिलेश तिवारी ने आगे कहा कि कुछ महीने की बात है और सरकार चली जाएगी, और जब हमारी सरकार बनेगी तो जिस तरीके से यूपी में बीजेपी की सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है, उसी की तर्ज पर बिहार में भी बीजेपी की सरकार आने पर माफिया या तो जेल के अंदर होंगे या फिर जमीन के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रतिनिधिमंडल भेजा है। अच्छा तो होता कि नीतीश कुमार के कुछ मंत्री और सरकार के अधिकारी इस गांव में इस परिवार के क्या हालचाल लेने आते। अब इससे बड़ी विपदा तो इस परिवार पर नहीं आने वाली है। इससे बड़ा विपदा कोई होता है क्या कि किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी के घर का कोई मालिक मर जाए और मरने का जो कारण है वो शराब पीने से लोग मरे हैं। प्रशासन तो कह रहा है कि और प्रशासन कह रहा है कि बीमारी से मौत हुई है। नहीं, अब इसके बाद भी प्रशासन का आंख नहीं खुल रहा है, तो हम लोगों के पास उसके आंख खुलने के कई तरीके हैं और आप चिंता मत करिए सरकार। तो गोपालगंज में हुई 5 लोगों की मौत के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस कड़ी में बीजेपी की 6 सदस्यों की टीम ने इस पूरे मामले की जांच की। गोपालगंज में संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों को ही मौत के मामले में बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरी साहनी के साथ 6 सदस्यों की टीम मौके पर पहुंची, जहां बीजेपी की 6 सदस्यों की टीम ने जांच की। इस दौरान बिहार बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जनक राम ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। इस दौरान बिहार बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जनक राम ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जहरीली शराब से मरने वालों के परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरी साहनी ने कहा कि पीड़ित परिवार ने खुलकर माना है कि जहरीली शराब पीने से ही उनकी मौत हुई है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीड़ित परिवार को जिला प्रशासन ने इलाज की सुविधा मिलने की बजाय शराब धंधेबाज को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन पहले ही सीतामढ़ी में भी जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार में कहीं भी शराब से गरीबों की मौत हो रही है वहाँ सरकार और सरकार का पूरा तंत्र लिपापोती में लग रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल होता दिखाई दे रहा है। परिवार जनों के द्वारा जो कहा गया विषय है उसके आधार पर जो विषय आया है, ये खुलकर सभी लोग मान गए हैं कि जहरीली शराब पीने के वजह से ये मौत हुआ, लेकिन ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस शासन प्रशासन को सुविधा देने की बात होनी चाहिए उस परिवार को जितना सुविधा मिलना चाहिए उससे कई ज्यादा गुना उस व्यापारी को बचाने का प्रयास हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ तो होना चाहिए कि कैसे वो स्वस्थ हो, कैसे जो बचा हुआ है उसका इलाज हो, इसका कैसे केस दर्ज हो, इन सब विषयों पर ध्यान कम है। वो परिवार आप बताइए, मृत के माँ बोल रही है कि वहाँ चौकीदार उस जो जिन पर आरोप लगा है ये शराब बेचने का, वो वहां चौकीदार परिवार जनों के द्वारा जो कहा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहां सर्जन डॉक्टर पर हमले के बाद डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा है।
तो बिहार के पूर्णिमा में सर्जन डॉक्टर की पिटाई करने और उसके बुरी तरह से जख्मी होने के विरोध में पूरे बिहार सहित आरा के सदर अस्पताल के सभी डॉक्टरों ने एक दिवसीय स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक के दौरान डॉक्टरों ने ओपीडी विभाग को पूरी तरह से बंद रखा। ओपीडी बंद होने के कारण दूर से आए मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बिना इलाज कराए ही उन्हें वापस अपने घर लौटना पड़ा। आपको बता दें कि सोमवार को बिहार के पूर्णिया जिले के एक सरकारी सर्जन डॉक्टर राकेश पासवान की तरफ से एक मरीज का ऑपरेशन किया गया था। इस इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों की तरफ से सर्जन राजेश पासवान की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस कड़ी में बिहार के सभी सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने मंगलवार को एक दिवसीय स्ट्राइक कर दिया, जहां सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा को पूरी तरह से बंद रखा गया। इस मामले में आरा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि पूर्णिमा से एक चिकित्सक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया था, जिसके बाद भाषा और IMA के नेतृत्व में सदर अस्पताल के ओपीडी विभाग को बंद कर दिया गया, लेकिन जो काफी जरूरतमंद मरीज हैं उनके लिए इमरजेंसी सेवा खुली रखी गई। साथ ही चिकित्सक को भी दिशा निर्देश दिए गए कि वैसे मरीजों का इलाज टाइम पे किया जाए। हाँ, मुझे भी सूचना दी गई थी जो सेक्रेटरी भाषा के भोजपुरी इकाई के हैं। ये एक्चुअली IMA का आह्वान है। पूर्णिया में एक डॉक्टर को बहुत मृत प्राय कर दिया गया मारते मारते, और उसी के विरोध में IMA का आह्वान था, जिसे कि भाषा ने सपोर्ट किया। तो हमारे सेक्रेटरी जो है भाषा की इकाई के यहाँ पे, तो विकास सिंह ने, उन्होंने मुझे लेटर दिया था। तो हम लोगों ने या भाषा ने भी और IMA ने भी ये कहा था क्या कि OPD की बहिष्कार होगा, इमरजेंसी बहिष्कार नहीं होगा, और इमरजेंसी को मैंने सशक्त। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के नवादा की, जहाँ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बस लूट कांड का खुलासा कर दिया है, उस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो नवादा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने बस लूटकांड का खुलासा किया, साथ ही पुलिस ने बस लूटकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस कड़ी में नवादा SP अमरेश राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और बताया कि 15 नवंबर को बुंदेलखंड थाना क्षेत्र के जीवन अस्पताल के पास बुंदेला नामक बस को रोक कर साथ हथियारबंद अज्ञात अपराधी ने कर्मियों के साथ डकैती की घटना को अंजाम दिया। इस घटना को नवादा पुलिस की तरफ से अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी को लेकर एक उसी टीम का गठन किया गया था। SP अंबरीश राहुल ने लूटकांड के 6 दिन बाद ही पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में 9 अपराधियों को दबोच लिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि लूटे गए सारे सामान को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। हम लोगों के द्वारा लगातार क्रिमिनल्स के खिलाफ आसूचना संकलन किया जाता रहता है और हम लोग इस तरह के क्रिमिनल्स को हमेशा ट्रैक करते रहते हैं। ये जो जिनका भी इस घटना में नाम आया है, इनका पूर्व में किसी तरीके से लूट डकैती का कोई आपराधिक इतिहास कभी नहीं रहा है। इन लोगों ने एकाएक एट द स्पर ऑफ द मोमेंट ये घटना कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद जहाँ तक आप यात्रियों के सुरक्षा का सवाल है, तो हम लोग जो कूरी नदी है, ये हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट चिन्हित किया है कि कूरी नदी से घटना करना आसान है। कूरी नदी के अंदर हल्का पानी है, कचड़ा है, और वहाँ पर जनरली लोग नहीं जाते। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं गोपालगंज की, जहाँ पुलिस ने गंडक नदी में नाव के सहारे ले जा रही शराब को जब्त कर लिया। तो गोपालगंज में पुलिस ने गंडक नदी से शराब से भरी नाव जब्त की है। ये कार्रवाई जादोपुर थाने की पुलिस ने रामपुर टेगराही गाँव में की। जब्त नाव से 450 लीटर बंटी बबली जैसी शराब बरामद की गई। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। दरअसल यूपी की गंडक नदी के रास्ते शराब की खेप लाई जा रही थी, जहां सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं इस मामले में अज्ञात शराब तस्करों के खिलाफ FIR दर्ज कर पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। SP स्वर्ण प्रभात की तरफ से कहा गया है कि फरार शराब तस्करों की पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कल रात में जादवपुर थाना के द्वारा गंडक से आ रही शराब से भरी नाव को जब्त किया गया है, और इसका जो सप्लायर है उसका भी पहचान किया गया है, और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी की। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ABC News।